अगर कोई स्थान प्राण प्रतिष्ठित है तो उसका मतलब है वहां एक शक्तिशाली ऊर्जा है। वहां आपको अपने पैरों को ऐसे खोलकर नहीं बैठना चाहिए, इससे आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। खाना भी मैं बता रहा हूं, अगर आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो यह कई तरीकों से नकारात्मक है। ये सवाल क्लेयर ने पूछा है यहां ट्रिपल आई से। नमस्कार सद्गुरु, हम अपने पैरों को लिंग या दूसरी प्राण प्रतिष्ठित वस्तुओं या लोगों से दूर क्यों रखते हैं? क्या यह बस सम्मान देने के लिए होता है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? तो आजकल वो ऐसा कर रहे हैं कुछ लोग। आप जानते हैं पश्चिमी संस्कृतियों में जब आप किसी से मिलते हैं तो आप हाथ मिलाते थे, पर अब वायरस की वजह से वो छूना नहीं चाहते, तो कोई कोहनियां मिला रहा है, कोई पैर मिला रहा है। तो ऐसा होने लगा है क्लेयर, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, ऐसा होने लगा है। लोग एक दूसरे के पैर हिला रहे हैं, पर क्यों? अगर कोई ऊर्जा की स्थिति हो तो आपको हमेशा पालथी लगाने के लिए कहा जाता है, ना कि उस दिशा में पैर करने के लिए। सम्मान वाली बात इसी का एक नया तरीका है। इसकी मूल वजह यह है कि आप अपनी ओर आती हुई चीजें कई अलग अलग तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। योग के हिसाब से हमें हर चीज जीवन के ऊंचे पहलुओं से प्राप्त करनी चाहिए। आप अनाहत चक्र जानते हैं, जो दो त्रिभुज या ट्रायंगल का मिलन है। उसके नीचे मणिपूरक, स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र हैं, जो जीवित रहने की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हैं। जीवित रहना, बच्चे पैदा करना और जीवन को चलाते रहना, सभी जीवन चलाने से संबंधित चीजें। यहां पर दो ट्रायंगल एक दूसरे को काटते हैं क्योंकि ये परमानंद है, ये आत्मज्ञान है, ये शक्ति है, ये प्रेम है, और ये भाग, दो ट्रायंगल्स यहां मिलते हैं। जब कोई जगह प्राण प्रतिष्ठित होती है तो इसका मतलब है वहां एक शक्तिशाली ऊर्जा है जिसमें आपको रूपांतरित करने की क्षमता है। वो ऊर्जा हमेशा आप में मौजूद सबसे ऊंची संभावना से आपके अंदर आनी चाहिए। अगर आप अपने सहस्रार से उसे प्राप्त कर सकें तो यह बहुत शानदार होगा। इसी वजह से जब भी भारतीय लोग मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले वो इसको खुला रखना चाहते हैं, वो इसे गीला रखते हैं। शक्तिशाली मंदिरों में, ध्यानलिंग में भी उन्हें बताया जाता है, लोग खुद को गीला करते हैं, उनका सर गीला होता है, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि ऊर्जा यहां प्रवेश करेगी। ये नहीं हो पाया तो यहां की उम्मीद नहीं हो पाया तो वो ऐसा करेंगे, इस उम्मीद में कि ये काम करेगा, कुछ भी नहीं हो पाए फिर वो ऐसा करेंगे। पर वो यहां नहीं जाना चाहते क्योंकि ये बस जीवित रहने की प्रक्रियाएं हैं, हम उन्हें बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हम जीवन के दूसरे आयामों को बेहतर बनाना चाहते हैं जिससे हमारा जीवन विकसित होगा। सिर्फ किसी और से बेहतर जीवन, जीवित रहना काफी है, जीवित रहना जरूरी है, पर किसी दूसरे से बेहतर जीना जीवन का लक्ष्य नहीं है। यह समय की बर्बादी है क्योंकि आप जो चाहे कर लें, आप हमेशा के लिए जीवित नहीं रहेंगे। हेलो, आप जो चाहे कर लें, महामारी के बिना भी आप हमेशा के लिए जीवित नहीं रहेंगे। तो सिर्फ जीवित रहने की दिशा में बहुत ज्यादा निवेश करना जरूरी नहीं है। तो इस वजह से इस पूरी संस्कृति ने इस आयाम को समझा और उन्होंने समाज को एक अलग तरीके से बनाया।
खैर आज जो आप देख रहे हैं वो इसका बिल्कुल बिगड़ा रूप है, पर मूल रूप से आज भी मौजूद है कि आप जब भी किसी प्राण प्रतिष्ठित स्थान पर जाते हैं तो आप ऐसे होते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि ऊर्जा यहां प्रवेश करे। आप परम आनंद चाहते हैं, अगर ना मिल पाए तो कम से कम शांति और ज्ञान। संतुलन और दुनिया में मौजूद हर प्रकार का जहर आप में प्रवेश ना करे, ऐसी आजादी होनी चाहिए। तो मूल रूप से आप चाहते हैं कि शरीर का ऊपरी हिस्सा अनाहता से ऊपर ऊर्जा के लिए खुला हो। किसी प्राण प्रतिष्ठित स्थान के आगे आप अपने पैरों को ऐसे खोलकर नहीं बैठना चाहते, क्योंकि ये आपकी ओर बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जा को आकर्षित करेगा और ये आपके लिए बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगा, जो जरूरी नहीं कि आपके लिए फायदेमंद हो। इससे आपको अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंच सकता है। यही वजह है कि जब ऐसे स्थान पर बैठते हैं जिसे आप शक्तिशाली मानते हैं, वहां आप हमेशा पालथी लगाकर बैठते हैं, क्योंकि आप अपने शरीर के निचले हिस्से को बंद करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तरह से आप दूसरे इंसान के लिए बंद हैं, है ना। हेलो महिलाएं, आप ये जानती हैं। मान लीजिए कोई आपसे बात कर रहा है, मान लीजिए कोई अजनबी आया है, एक आदमी आपसे बात कर रहा है, क्या आप उससे ऐसे बात करेंगी? हेलो। कुछ महिलाएं आजकल ऐसा कर रही हैं क्योंकि वे सोचती हैं इसमें गलत क्या है। कुछ भी गलत नहीं है, बस आप अपनी ओर एक खास तरह का ध्यान आकर्षित करेंगी। अगर वो आदमी सभ्य है तो वो ऐसा करेगा, अगर आप भारतीय हैं तो, वरना आप हेलो बोलकर शायद हाथ मिलाएंगे। और अगर वो अजीब मूड में है तो आप कहेंगी आया ना, क्योंकि आप जानते हैं, शायद आप तार्किक रूप से ना जाने पर आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि किस तरह के हाव भाव आपकी तरफ कैसा ध्यान आकर्षित करेंगे, है ना। हेलो, आप जिस भी कल्चर में पले बड़े हों, आप स्वाभाविक रूप से हमेशा जानते हैं, क्योंकि यह शरीर में होता है। ये ऐसी चीज नहीं है जो हमारे मन में होती है, कुछ चीजें शरीर में होती हैं। तो कुछ सभ्यताओं ने बहुत सचेत रूप से मुद्राएं या शरीर के तौर तरीके विकसित किए हैं कि ये चीज ऐसे करें, ऐसे बैठें। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। खाने के सामने भी मैं बता रहा हूं, जब आप खाने बैठते हैं तब एक अच्छी बात ये होगी कि आपके और आपके शरीर के निचले हिस्सों के बीच एक टेबल हो। पर अगर आप बैठकर खाना खाते हैं और टांगे खुली रखते हैं, जैसे कई लोग खड़े होकर खाते हैं, अगर आप खड़े होकर खाते हैं तो इसके कई नकारात्मक पहलू हैं, क्योंकि आपको समझना होगा कि भोजन की इच्छा सिर्फ आपके मुंह में नहीं है, पूरे शरीर में है, पूरे शरीर में। लोग कहेंगे ओह ये कोई वैज्ञानिक सत्य नहीं है, क्या मेरी नाभि में या फिर मेरे गुप्तांगों में भोजन की इच्छा है? हाँ है। शायद आप समझ ना पाए पर शरीर के हर अंग में भोजन की इच्छा है, पर उसे इसी मार्ग से गुजरना होगा, है ना। हेलो, इसी तरह हमारे शरीर में कई दूसरी लालसाएं हैं और उन्हें भी सही रास्ते से जाना चाहिए, तभी ये जीवन अच्छे से काम करता है, वरना आप जीवन को तोड़ मरोड़ देंगे। तो जब भी आप एक शक्तिशाली रूप देखते हैं तब पालथी लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, और भोजन भी। भोजन एक बहुत शक्तिशाली चीज है। हेलो, अगर आप 3 दिन ना खाएं तो आप समझ जाएंगे कि भोजन बहुत शक्तिशाली है, है ना। हेलो, ये वाकई बहुत शक्तिशाली है, और आप देखेंगे अगर आप 3 से 5 दिनों तक कुछ ना खाएं तो शरीर की हर कोशिका भोजन के लिए तरसेगी। अब अगर यहां खाना हो तो असर बस यही नहीं होगा कि मुंह में पानी आएगा, कई चीजें होंगी। तो ये महत्वपूर्ण है कि जब भोजन आपके सामने आए तो आप पालथी लगाकर बैठे हों, पर आपने एक और तरीका ढूंढ लिया है खुद को टेबल से बचाना। ठीक है अगर वो आपके लिए मददगार है तो, पर अगर आपको बहुत भूख लगी है और भोजन पूरे शरीर के सामने है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। भोजन के साथ ऐसा होता है क्योंकि हम भोजन को एक शक्तिशाली साधन मानते हैं। जिन प्राण प्रतिष्ठित वस्तुओं और मनुष्यों में एक तरह की शक्ति है, आप कभी भी उनके सामने इस तरह से अपने पैर खोलकर नहीं बैठते, क्योंकि
इससे आपके सिस्टम में एक गलत तरह की ऊर्जा जाएगी। मैं पूछ रहा हूं, क्या शौच करना अच्छा है? हेलो, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। हां, पर शौच आपके शरीर के एक विशेष हिस्से से बाहर आनी चाहिए। ये कहीं और से निकले तो भयानक हो जाएगी, है ना? हेलो। इसी तरह भोजन एक विशेष तरीके से अंदर जाना चाहिए। अंदर जाने वाला भोजन सिर्फ भौतिक भोजन नहीं है, भोजन कई तरह से आप में जाता है, क्योंकि पूरे शरीर में ये काबिलियत है। मुझे आपको अपना अनुभव बताना चाहिए। जब मैं बिजनेस करता था, तब हमें किसी बिजनेस समझौते में एक बड़ी सफलता मिली थी। तो जहां भी संभव हो, मैं हमेशा प्रकृति के बीच रहता था। मैं ट्रैकिंग मोटरसाइकिलिंग करता रहता था, पर मेरा साथी एक बढ़िया शहरी लड़का था। तो हमने तय किया था कि हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहां एक तालाब हो, एक बांध हो और एक बड़ी झील भी, और कुछ छोटी पहाड़ियां। हम वहां गए और हम सब तैर रहे थे। तैरने के बाद भी मैं अपनी तैराकी के कपड़ों में ही था। मैंने सोचा मैं पहाड़ी पर चढ़ता हूं। गर्मी के महीने थे, सब सूख चुका था, तो मैं पहाड़ी पर चढ़ गया। अब मैं कभी कभी सोचता हूं, इन दिनों मैं जहां भी जाता हूं, हर किसी के हाथ में पानी की बोतल होती है। उस समय मैं दिन रात घूमता रहता था, मेरे पास पानी की बोतल कभी नहीं होती थी। हम बस ऐसे ही मैनेज करते थे। तो मैं पहाड़ी पर चढ़ गया और उस गर्मी में बिना कपड़ों के मुझे बहुत पसीना आने लगा। पर आपको पता है, मेरी समस्या यह है कि मैं आधे रास्ते से वापस नहीं मुड़ता। तो मैं ऊपर शिखर तक जाकर फिर नीचे आना चाहता था। मैं ऊपर गया और नीचे आते आते मुझे लगने लगा कि मेरी जीभ फूल रही है और मेरा दम घुट रहा है। मैं इस कदर डिहाइड्रेटेड हो रहा था कि मेरी जीभ मेरी सांसों में रुकावट बन रही थी। मेरी हालत वाकई खराब थी। मुझे पानी की कम से कम कुछ बूंदों की सख्त जरूरत थी। मैंने अपना पसीना चाटना चाहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब मैंने सोचा कि मैं सचमुच अपनी चेतना खो दूंगा, बेहोश हो जाऊंगा, तब मैं बस कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके वहां बैठ गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा शरीर, मेरे हाथों और पैरों के बाल एक दिशा में जा रहे थे। ये रोंगटे खड़े होने जैसा नहीं था। रोंगटे खड़े होना यानी एक बाल इस तरफ उठेगा, दूसरा उस तरफ उठेगा। मैंने देखा कि सारे बाल इस ओर इशारा कर रहे थे, और मुझे पता चल गया वहां कहीं पानी है। और मैं वहां पानी ढूंढने लगा। मैं चट्टान के नीचे एक छोटी सी गुफा में चला गया। वहां एक छोटी गुफा थी। ये गुफा इंसानों के लिए नहीं थी, शायद खरगोश और चूहे और वैसे जानवर वहां रह सकते हैं। वैसी गुफा, बस उतनी बड़ी। वहां थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया था, शायद वो खरगोश का पेशाब था या बारिश का पानी था, पता नहीं क्या था, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। मैंने बस उसमें अपना चेहरा डाला और पानी के साथ साथ कीचड़ वगैरह सब कुछ पी गया। मैं कुछ देर वहीं बैठा और थोड़ा आराम मिलने के बाद नीचे आ गया। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आपके लिए कुछ वाकई जरूरी होता है, जैसे भोजन या पानी, तो आप देखेंगे कि शरीर की हर कोशिका तरसती है। अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि प्यास सिर्फ आपके मुंह में नहीं है, बल्कि हर जगह है। तो सिर्फ भोजन के साथ ही नहीं, बल्कि हर तरह की ऊर्जा के साथ भी ऐसा होता है। शरीर की हर कोशिका तरसती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे सही तरीके से प्राप्त करें। तो जब भी आपको लगता है कि कोई शक्तिशाली जगह है, तो हमेशा बैठते समय पालथी लगाकर बैठना बेहतर है। ऐसे मत बैठिए, आप ऐसी चीज आकर्षित करेंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है।